अल सैद कैटल फार्म ने एक मिनी जू का एहतमाम किया है अपने। अल्हम्दुलिल्लाह कि वाइट मोर है और ये थक गए हैं तो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये नील गाय है। ये नील इस दफ़ा हमने थोड़ा चेंज किया है। इसका नाम शेरू है। शेरू इसका नाम है और इस प्योर चालिस्तान नस्ल के जानवर है ये। हाँ, ये जोड़ा था मेरे पास राम और शाम का, लेकिन राम तो सेल आउट हो चुका है। इसकी डिमांड मेरी 4.5 लाख रुपये है। इसकी डिमांड 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपये डिमांड है आपके साथ। नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ीब जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। आज हम एक ऐसे स्टॉल पर आए हैं सुराबकोट मंडी में, जहाँ पर किड्स के लिए फुल एंटरटेनमेंट का एहतमाम है। अच्छा, आप लोग को बता दूँ व्यूवर्स, जी हाँ, आज हम अल सैद कैटल फार्म VIP स्टॉल को विज़िट करने जा रहे हैं। आप लोग को बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी अल सैद वालों ने यहाँ पर हिरन का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का बच्चों के लिए इंतज़ाम करके रखा है, क्योंकि किड्स इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और साथ साथ जो लोग यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो हर साल की तरह इन्होंने इस साल भी इन चीज़ों का एहतमाम किया है। इसके अलावा देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर के कैटल्स भी माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अल सैद कैटल फार्म के ऑनर से मुलाकात करते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ अल सैद कैटल फार्म के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम साफ़ी हज़रात को अल सैद कैटल फार्म में खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकअल्लाह। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अल सैद कैटल फार्म ने सेहतमंद, फरबा और बिल्कुल वैक्सीनेट एनिमल जो हैं क़ुरबानी के लिए मुहैया किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज 14 साल अल सैद कैटल फार्म को मवेशी मंडी में माल लगाते हो गए। अब लोगों का एतमाद भरोसा में इतना पुख्ता हो गया है कि हमारे तमाम कस्टमर सीधे हमारे पास आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस दफ़ा आप लोग कितने कैटल्स लेकर आए? इस दफ़ा हमारी कलेक्शन तकरीबन 107 एनिमल्स की है। अच्छा। इसमें हर तरह का मौजूद है, छोटा बड़ा मीडियम। ज़ाहिर है हर आदमी की एक रेंज होती है। हर आदमी 20-25 लाख या 5 लाख-8 लाख का जानवर नहीं खरीद सकता है। किसी की रेंज है अगर 3 लाख की तो इंशाल्लाह उसको हमारे यहाँ जानवर मिलेगा। किसी की 4 लाख की है तो भी जानवर मिलेगा। ये समझ लें कि मेरे पास 2.5-3 लाख से लेके 40 लाख तक का जानवर मौजूद है। अच्छा, मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँ, अगर वो कभी मवेशी मंडी का रुख करें या मवेशी मंडी आएँ तो अल सैद कैटल फार्म का लाजमी विज़िट करें। अल सैद कैटल फार्म मवेशी मंडी में Block 3, Plot Number 1234, जस्ट अपोजिट मीडिया सेल। अच्छा, सामने मीडिया सेल, वैसी के सामने आप लोग का स्टॉल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो बच्चों की अट्रैक्टिव चीज़ें जो आप लोग हिरन वगैरह लेकर आए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो देख लेते हैं पहले। हाँ, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से बिल्कुल, बिल्कुल। आइए व्यूअर्स। जी जनाब, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं डियर, इसके बारे में बताएं कौन सी डियर लेकर आएँ इस दफ़ा आप लोग? देखिए, जहाँ तक आपने डेयर की बात की तो अल सैद कैटल फार्म का एक ये उसूल रहा है कि वो मवेशी मंडी के अंदर एक ऐसी चीज़ लेकर के आता है जो मुनफरिद होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटी ईद जिसे लोग ईदुलफ़ितर कहते हैं, उसमें अमूमन फैमिलीज़ जो है ना शॉपिंग सेंटर का रुख करती हैं, लेकिन जब ये ईद क़ुरबान आती है तो तमाम फैमिलीज़ और बच्चे जो हैं वो मंडी का रुख करते हैं। लिहाजा अवामन नास के इस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अल सैद कैटल फार्म ने एक मिनी ज़ू का एहतमाम किया है अपने टेंट के अंदर। इसमें हमारे पास वाइल्ड एनिमल जिसमें बारहसिंगा है, नील गाय है, मोर है, ब्लैक हिरन है, वो रखा है। एक माहौल बन जाता है, बच्चे आते हैं, इन्जॉय करते हैं, खुश होते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि आवाम कितनी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, सब लोग देखने के लिए आए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल। आइए मैं आपके व्यूवर्स को मज़ीद दिखाऊँ। जी जनाब, यहाँ पर वाइट मोर भी लेकर आए आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि वाइट मोर है और ये थक गए हैं तो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। क्योंकि लोग जो है ना, वो तो जानवर है, लोग तंग करते हैं। मैं तमाम व्यूवर्स से ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ देखें, ये देखने की चीज़ है, आप देखें, खुश हों, इन्जॉय करें, लेकिन प्लीज़ इन्हें तंग ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त बिल्कुल आराम कर रहे हैं? हाँ, रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या लेकर आप लोग? आइए तशरीफ लाइए। जी जनाब, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आप लोग नया लेकर आएंगे? जी हाँ, ये नील गाय है। ये नील गाय इस दफ़ा हमने थोड़ा चेंज किया है, मज़ीद यानी कि वाइल्ड एनिमल की रहनुमाई के। ज़ाहिर है हर बच्चों को ये नहीं पता है कौन सा जानवर है, क्या जानवर है। गायें
बकरे बैल वो तो हर सब बच्चा जानता है, लेकिन इन चीज़ को देख के बच्चे और खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, एक माहौल बन जाता है। अच्छा, तो आप लोग अवेयरनेस के लिए भी लेकर आए ताकि बच्चों को, हाँ, एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, इंजॉयमेंट भी हो जाएगी और एक तफरी हो जाती है। ये फीमेल है जनाब? ये वो फीमेल है, ये मेल है। अच्छा, ये जो है ना, ये मेल है, वो मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है। पैर है ये, ब्लैक रह रहे हैं जी। जनाब, इसके बारे में बताएं। जैसे आपके व्यूअर देखेंगे, ये हिरण की एक नायाब नस्ल है, इसे ब्लैक हिरण कहते हैं। बारह सिंगा और आम हिरण जो है ना, वो तो तकरीबन हर जगह अवेलेबल होती है, लेकिन ये एक नायाब नस्ल है। ये समझ लें कि ये बहुत ही नायाब चीज़ है। हमने आपके व्यूअर्स को दिखाने के लिए ख़ास तौर पर दिखाया, बच्चे देखें, खुश हों, इन्जॉय करें, और उनको यही पता चला कि हिरण की मुख्तलिफ नस्लें होती हैं। ठीक है, तो ये इन्जॉयमेंट के लिए आप लोग खासकर लेकर? जी हाँ जी हाँ, बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए, खुशी के लिए। अच्छा, तो क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं, तो इस वक्त तमाम एनिमल्स एंड बर्ड जो हैं वो आराम कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है वो कि दिन काम के लिए, रात आराम के लिए। इसी तरह ये जानवर भी देखें आप, दिन में अपना चारा तक खाते हैं, तलाश करते हैं, घूमते फिरते हैं, रात को ये भी रेस्ट करते हैं। ये कुदरत का एक सिस्टम है। आइए अब कैटल्स की तरफ चलते हैं, कैटल्स देख लेते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चल सैयद का कैटल है, सबसे बड़ा वो देख रहे हैं, तो इससे मुतालिक मालूम करते हैं। जी जनाब, मैं देख रहा हूँ उसकी सलामी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल सैयद कैटल फार्म की सामने शान है। इसका नाम शेरू है, शेरू है इसका नाम, शेरू इसका नाम है, और इसका लाइव वेट तकरीबन 30 से 35 मन मौजूद है ऑलरेडी, और इसकी डिमांड हमारी 40 लाख की है। 40 लाख की डिमांड है और 30 से 35 मन इसका वेट है, वेट है, और अब तक इसके 22 लाख लग चुके हैं। 22 लाख लग चुके हैं, लग चुके हैं। अच्छा, दांतों में कितना ही? दांतों में ये 6 है, 6 दांत में ये। अच्छा, ये समझ लें अल सैयद की ये शान है, स्टैंड की है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि आप लोग का क्या माइंड सेट है, कितने तक में देंगे आप लोग? देखें, जैसा जैसे अभी कस्टमर आ रहे हैं, अभी एक काफ़ी टाइम में मौजूद है, लेकिन जब इसके शौकीन है ना, ये समझ लें इन तमाम जानवरों की एक नायाब नस्ल, जैसे ब्राह्मण नस्ल कहते हैं, ये उस नस्ल का जानवर है। ये ब्राह्मण नस्ल, ये ब्राह्मण नस्ल है। इसकी सिर्फ बेबी जो है ना, वो भी तकरीबन 6 से 7 लाख की मिलती है। अच्छा, सिर्फ बेबी। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा टहला के दिखाना। देखें, ब्राह्मण नस्ल है ये, और 22 लाख इसके लग चुके हैं, आप लोगों ने नहीं दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख लग चुके हैं। तो कितने तक में माइंड है, कितने तक में सेल आउट? 28 तक हमारी है लास्ट। 28 तक आप लोग का माइंड है जी। इसके बारे में बताइए। ये मेरे पास आपके व्यूअर देखना चाहेंगे जानवर है, प्योर चालिस्तान नस्ल के जानवर है ये। प्योर चालिस्तानी, हाँ। ये जोड़ा था मेरे पास राम और शाम का, लेकिन राम तो सेल आउट हो चुका है, शाम अभी मौजूद है। अच्छा, इंशाल्लाह इसका चाहने वाला भी आएगा, शाम को भी लेके जाएगा। शाम को भी लेके जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो शाम के दांत कितने हैं? इसके 4 दांत हैं। 4 दांत हैं इसके। अच्छा, वेट कितना है इसका? लाइफ वेट इसका, लाइफ वेट है तकरीबन 18 मन। 18 मन इसका वेट है। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको वॉक करवा देंगे, वो देखने को आएंगे। चलाओ चलाओ बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, फाइनल डिमांड क्या आप लोग किसकी? इसके फाइनल डिमांड हमारे तकरीबन जो है ना 10 लाख की है। 10 लाख है, जाएगा इंशाल्लाह, ये 10 लाख में जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कौन से कैटल दिखा रहे हैं हमारे? 1x1 जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये नुकराई है, इसके आप देखें इसके होंठ जो है पिंक कलर के हैं, और ये माशाल्लाह हमारे फार्म की समझ लें शान, उसके शुरू के बाद ये जानवर है। नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही हसीन, सेहतमंद, फरबा और वैक्सीनेट के। अच्छा, ये आपके फार्म का सेकंड नंबर वाला? सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड पोजीशन है इसकी। हाँ। अच्छा, तो इसके बारे में बताएं, इसकी कीमत क्या है, इसका वेट क्या है? इसकी कीमत हमने रखी है 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए इसकी डिमांड है, और लास्ट जो है 12 लाख में इंशाल्लाह हम इसको सेल आउट कर देंगे। 12 लाख में इसको आपका माइंड है सेल आउट करने का, सेंड करने का है, और इंशाल्लाह ये बिकेगा, क्योंकि कस्टमर लगे हुए हैं, माइंड सेट बन रहा है उनका, इंशाल्लाह सौदा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि दांतों के अंदर कितना है? दांतों के अंदर 6 है। 6 दांत में, और इसका वेट? इसका लाइव वेट इस वक्त तकरीबन 25 मन है। 25 मन इसका वेट है, ठीक है। इसके बाद कौन सा कैटल दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? अभी दिखाता हूँ 1x1 इंशाल्लाह, ठीक है जी। जनाब, इस कैटल के बारे में बताएं। ये साहिवाल नस्ल का जानवर है, इसका लाइव वेट इस वक्त 28 मन है। लाइव वेट इसका 28 मन है, और हमने इसकी डिमांड रखी है 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपए डिमांड है रखी है, और अभी तक क्या प्राइस लग चुके हैं? लग रहे हैं प्राइस, लेकिन हमारी जो लास्ट जो 14-15 लाख की डिमांड देने की लास्ट। अच्छा, माशाल्लाह खूबसूरत देखें इसको आप, ब्यूटी देखें, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है माशाल्लाह, खूबसूरत ब्यूटी, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है उसकी खूबसूरती। गोश्त हम रोज़ खाते हैं, तकरीबन 12 महीने खाते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए उनके लिए लाजमी अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि वो सेहतमंद हो, खूबसूरत हो और बेऐब हो।
अच्छा, ये बताएगा कि दांतों में कितना है? दांतों में ही 4 है। 4 दांत में है, ठीक है जी। जनाब इसके बारे में बताएं कि आप कह रहे थे चुलबुला दिखाने वाले हैं। ये हमारा जानवर चुलबुला है, कहते हैं ना एक कि घर में एक ऐसा भी होता है जो न्यायते चुलबुला होता है, सबका लाडला होता है, सबका प्यारा होता है और सबका दिल लुभाता है। ये वो जानवर है, ये 2 दांत बछिया है मेरे पास। अच्छा। हाँ, ये साहिवाल नस्ल की बछिया है। इसकी डिमांड मेरी 4.5 लाख रुपए है। इसकी डिमांड 4.5 लाख? 4.5 लाख रुपए डिमांड है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस चुलबुले की वेट कितना है और दांतों में कितनी है? ये दांतों में 2 है और इसका वेट है 480 केजी। 480 केजी इसका वेट है। 4 लाख इसकी डिमांड है। हाँ, 4.5 लाख। 4.5 लाख 2 दांत है। ये बहुत खूबसूरत है, चीना बछड़ी है ये माशाल्लाह। ठीक है, अब नेक्स्ट। लेकिन नहायत ही चुलबुली है ये। बजट है? नहायत ही चुलबुली है। हाँ, शो को चंचल जिसे कह लें ना आप। जी जनाब, इस कैटल के बारे में बताएं। जाफरी होल्ड ये इस समय जानवरों में एक नायाब नस्ल है जिसे नुकरा कहते हैं और ये मवेशी मंडी में आपको चीदा बहुत ही नायाब नजर आएगा ये, क्योंकि इसकी ख़ास पहचान ये है, इसकी पूरी बॉडी वाइट होती है, यहाँ तक कि पलकें भी इसकी वाइट होंगी। जो आपका कैमरा का दिखा रहा होगा, व्यूवर्स को दिखा रहा होगा तो दिखाएगा। अच्छा, पलकें वगैरह सब वाइट है? बिल्कुल वाइट। ठीक है, ये नुकरा कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये बताएं कि वेट कितना है इसका? इसका लाइव वेट है 788 केजी। 788 केजी। अच्छा, डिमांड क्या रखी आपने इसकी? इसकी डिमांड है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए डिमांड है। अच्छा, ये भी मुझे बता दिया कि दांतों के अंदर इस वक्त कितने दांत? दांतों में 4 ही है। 4 दांत में। 4 दांत। ठीक है, और अभी इसकी क्या डिमांड लग चुकी है? कुछ ऑफर लग रहे हैं? ऑफर तो लग रही है और इंशाल्लाह जाएगा, इतने में जाएगा ये, क्योंकि नायाब नस्ल है, नुकरा है ये। ये बहुत ही कम आपको टेंटो नजर आएगा ये। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ी सी वॉकिंग भी करवा दिएगा इसको, सही? अभी तो जी व्यूअर्स, तो इसको टहला के दिखा रहे हैं सफ़ेद नुकरे को, तो मैं चाहूँगा कि फर्दर इसके बारे में और मज़ीद बताएं कि आप लोग कितने टाइम से इसकी पलाई कर रहे हैं? ये समझ लें तकरीबन इसको 2 साल पहले लिया था हमने ये। 2 साल पहले बच्चा, ठीक है। अब माशाल्लाह ही जवान है ये। अच्छा, उस टाइम हमने बच्चा 2 लाख रुपए का लिया था ये। 2 लाख रुपए का? 2 साल पहले, जब डॉलर कितने का था। अच्छा, और आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है, अब उससे अंदाज़ा लगा रहे इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, नायाब नसल रोज रोज इसको क्या चीज़ें इसके जाती हैं? जो ऑलरेडी जो है ना नेचर फूड के अलावा मिल्क है, मुरब्बाजात है, ड्राई फूड है, वो दिया जाता है, क्योंकि जानवर ऐसे नहीं बनता, उसको बनाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, ये बच्चा इसकी देखभाल करता था, तो आइए इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसके बारे में बताएं कि आप देखभाल कर रहे थे, क्या क्या आपने खिलाया पिलाया इसको, किस तरीके से परवरिश करी इसकी? 2 साल से ये हमारे कैटल फार्म पे पल रहा है। ये रोज के 6 किलो दूध पीता है, बादाम पिस्ते खाता है, क्योंकि जब भी इसकी जो नुकरा है, इसकी खूबसूरती जब भी निखर के आएगी। ये हम हर जुम्मे आते हैं, इसको देखते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर भी इसकी देखभाल आप ही कर रहे हैं? जी, मैं आता हूँ, खुद चक्कर लाता हूँ ताकि ये मानूस रहे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हम इसे अपने घर उतरवाएंगे। अच्छा, कैटल्स तो यहाँ पर और भी मौजूद है, ये आपका फेवरेट है? जी। अच्छा, ये मुझे बचपन से ही नुकरे की जो नस्ल है ना, मुझे बचपन से पसंद है, क्योंकि एक नायाब नस्ल है। इसकी पलके, इसकी नाक, इसकी पूँछ सब वाइट होती है। अच्छा, हाँ, ये भी बताएं मुझे इसका नाम क्या रखा आपने? मैंने वाइट सिल्क नाम रखा है। वाइट सिल्क इसका नाम रखा आपने? जी। अच्छा, तो ये आपका वाइट सिल्क है? जी। माशाल्लाह। चलें, अपना नाम बता दें मुझे। मेरा नाम अली है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू, वेलकम। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है छोटे बच्चों को रस्सी पकड़ा रहे हैं और बच्चा थोड़ा नर्वस हो रहा है, और जब बच्चों को बताया गया कि भाई दूसरे ने भी पकड़ दी रस्सी, तो वो कह रहा है कि वो छोटा जानवर था, ये वाला बड़ा है। जी जनाब, ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये एक जानवरों में नस्ल है जिसे क्रॉस कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, ये भी एक नस्ल है, और इसके जो लेने वाला है ना ख़रीदार, वो इसको ही लेके जाता है, क्योंकि हर आदमी की माइंडसेट अलग है, उसकी पसंद अलग है, वो अपने पसंद के मुताबिक जानवर ख़रीदता है। इसको अपने व्यूअर्स को दिखाएं, माशाल्लाह इसकी हाइट, इसकी लेंथ और बॉडी, लेकिन ये होता फ्लैट है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल, अगर आप कैमरा दिखाना चाहे दिखाए, बिल्कुल फ्लैट होगा ये। ठीक है, अभी इसको वॉक करवाते हैं, फिर देखेंगे। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताएं इसका लाइव वेट कितना है और इसके दांत कितने हैं? इसका लाइव वेट 990 केजी है। 990 केजी? 990 केजी। लाइव इसका चलाओ, अदू चलाओ उसको, अदू चलाओ उसको। और दांतों में? सख्त दांतों में 6 है ये। 6 दांत में ही है, क्योंकि बड़ा जानवर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आपने इसका वेट बताया और जो मुख्तलिफ जानवर के आप वेट बता रहे हैं, आप लोगों ने कांटा किया हुआ या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बकायदा ये, अगर आप कैमरा खैर आपका बैक साइड पे पूरी कलेक्शन विद टीथ, वेट, लाइव। अच्छा। वेट,
एनिमल्स का उसका टोकन नंबर, एक चार्ट आप लोगों ने बनाया हुआ, ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है, ये मौजूद है हमारे पास। जी व्यूअर्स, तो ये अल सैयद वालों ने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है कैटल्स के नाम से, और कैटल्स मुख्तलिफ कैटल्स में इन्होंने कोट किए हैं नंबर, जिसके हिसाब से इनके लाइव वेट और इनके प्राइजेस लिखे हुए। यस यू आर राइट। अच्छा, तो अभी इसकी क्या ऑफर लगे ऑस्ट्रेलियन की? अभी तो लग रहे हैं, बताएंगे नहीं आपको। अच्छा, बताएंगे नहीं, 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 इसको सरप्राइज रखेंगे। हाँ, अगर बता दिया तो भेद खुल जाएगा। अच्छा, इसको छोटे बच्चे नहीं टहलाएंगे? किसको? बिल्कुल टहलते हैं वो, असल में छोटे बच्चे दौरान डरते हैं, खौफ होता है ना। अभी वो अली को बोलूँगा, अली फौरन ले जाएगा। ठीक है, अली बेखतर है। अच्छा, इसकी डिमांड क्या बताना है फाइनल? मैंने बताया ना आपकी, इसकी डिमांड हमारी जो है 16 लाख तक है। 16 लाख तक इसकी डिमांड है। ठीक है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद कौन सा कैटल दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को? वन बाय वन यानी कोई अच्छी चीज़ सारे भेद नहीं खुलवाएंगे। ठीक है, चलो, तजस्सुस होना चाहिए ना व्यूअर्स को कि आप क्या आएगा, आप क्या देखेंगे पैदा करने के बाद। बिल्कुल। जी जनाब, यहाँ पर जो कैटल्स हैं इनके बारे में बताएं व्यूअर्स को। ये साहिवाल नस्ल के जानवर हैं। साहिवाल नस्ल है, ये चौलिस्तानी है, ये साहिवाल है। इसके दो दांत हैं, इसके चार दांत हैं। अच्छा, इसके दो दांत हैं और ये जो ब्राउन वाला, इसके चार दांत हैं। ठीक है, इसकी डिमांड हमारी 5.5 लाख है, इसकी डिमांड हमारी 5 लाख है, 5.5 और 5। ये वाला 5 लाख का, ये वाला 5.5 लाख का। उसकी हाइट देखें, वेट देखें, उसकी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जानवर होता है उसके वैसे कीमत होती है। अच्छा, इनका वेट कितना है? इसका वेट है तकरीबन 638 केजी, और उसका जो है ये जो आपके सामने मैंने बताया साहिवाल जो 5.5 लाख का है, उसका लाइव वेट है 715 केजी। जी जनाब, इसके बारे में बता रहे थे। ये दो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, साहिवाल नस्ल के जानवर हैं दोनों, और दोनों 4-4 दांत के हैं। इन्हें कहते हैं हम चीना, ब्राउन चीना, ब्राउन चीना कहते हैं। ये जोड़ी है, ये इसकी डिमांड हमारी 9.5 लाख की डिमांड है। जोड़ी के? हाँ, जोड़ी के 9.5 लाख की डिमांड, जोड़ी के 9.5 लाख डिमांड है। अच्छा, ये बताएं कि कैटल का वेट कितना है अप्रॉक्सीमेट? ये तकरीबन, ये आपके सामने जो खड़ा हुआ है ये 580 केजी का है, और ये जो खड़ा हुआ है ये है 525 केजी। जी जनाब, ये एक ब्राउन कलर का कैटल है जिसको आपने सेपरेट रखा हुआ है, इसके बारे में बताएं कि कोई खास? हाँ, ये चौलिस्तानी बच्चा है और इसका वेट है 890 केजी। इसकी डिमांड, हाँ, इसकी डिमांड हमारी है 12 लाख की, और इंशाल्लाह हम इसको 8.5-9 में डन कर देंगे। 8.5-9 लाख में आप डन कर देंगे, 12 लाख आप लोग की डिमांड है। ठीक है, वेट कितना है इसका लाइफ? मैं बताया ना आपको, 980 केजी। 980 केजी। दांतों में? दांतों में ये 4 है, 4 दांत में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ इन्होंने खूबसूरत से इंतजाम भी किए हैं, ब्यूटीफुल लग रहा है, ये फ्लावर्स लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर नीचे दो कैटल्स हैं, इनके बारे में भी मालूम लेते हैं। जी जनाब, ये दोनों जानवर जो आपके सामने मौजूद है, नज़र जो आपको कैमरा दिखा रहा है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना जानवर की खूबसूरती है, इसकी चमड़े की बनावट देखें आप, उसकी चमड़े की बनावट देखें, जैसे कोई पेंटर पेंट नहीं करता। देखें, ये कुदरत का एक शाहकार है जिस पर पेंटर पेंट करता है और उसकी वेव्स बनाता है। देखिए, अल्लाह की रहमत है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इसकी बॉडी है, स्किन इतनी ज़बरदस्त है कि जिसके इंतहा के नहीं। ये शान कुदरत अल्लाह ताला के सिस्टम में एक निज़ाम है, कुदरत काम कुदरत ही जानती है। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी प्राइजेस क्या है, वेट कितना है? इसका वेट जो है 980 केजी है, उसका वेट जो है 875 केजी है। अच्छा, 875 केजी है और इसका 980 केजी। 980, लेकिन कीमत उसकी ज़्यादा है। आप पूछेंगे क्यों? वजह यह है उसकी ब्यूटी और खूबसूरती है। हाँ, कुर्बानी के जानवर खूबसूरती के पैसे भी होते हैं, खाली गोश्त के नहीं होते। अच्छा, ये बताएं कि दांतों में कितने उनकी प्राइस? ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों 4-4 दांत। और प्राइस? ये 10 लाख का है, वो 12 लाख का है। अच्छा, ये 10 लाख का जो आगे खड़ा हुआ है और बैक साइड पर जो खड़ा हुआ 12 लाख रुपये का, उसकी खूबसूरती भी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मुख्तलिफ कैटल्स हैं उनकी प्राइस बता दें व्यूअर्स को। ये समझ लें, जितने एनिमल आपको कैमरा दिखा रहा है ना इस टाइम, वो तो मैंने बड़े वाले सब आपके प्राइस बता दिए। ठीक है, जितने जानवर बने हुए हैं इसमें, कोई 6 लाख का है, कोई 5.5 लाख का है, कोई 7 लाख का है, कोई 4 लाख का है, मतलब ये है कि हर आदमी के रेंज के मुताबिक मेरे पास एनिमल मौजूद है। अगर कस्टमर मेरे पास आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से खाली नहीं जाएगा, अपनी पॉटी पॉकेट मनी के मुताबिक वो एनिमल लेके जाएगा। अच्छा, ये जो ब्लैक एंड वाइट है इसके बारे में बताएं, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। जी, इसके बारे में बताएं कौन सी नस्ल? ये जानवर, ये साहिवाल नस्ल है। साहिवाल नस्ल है। क्या प्राइस है इसका? टोकन नंबर आप देखें क्या है। देखें, मैं अब आपके व्यूअर्स को एक चीज़ और दिखाऊंगा, देखें क्या नंबर है इसका। 37। अब देखें, जैसे मैंने आपके व्यूअर्स को बताया मेरे पास पूरी कलेक्शन मौजूद है। देखें, 37 ये आ गया, इसके 4 दांत हैं, 376 लाइव वेट है इसका। अच्छा। इसकी डिमांड है 345, 3,45,000 रुपये डिमांड है मेरी इसकी। ठीक है,
मेरे पास हर रेंज का मौजूद है जानवर। 3,45,000 डिमांड है। डिमांड है और इंशाल्लाह ये 3,25-3,20 में बिकेगा। माशाल्लाह खूबसूरती देखें आप। अच्छा, यहाँ आते हैं ना पब्लिक, कहते हैं दांत दिखाई दे, तो हमने एक पूरी कलेक्शन बनाई हुई अपने पास ताकि कस्टमर का टाइम वेस्ट नहीं हो। दूसरे दांत दिखाने में जानवर भी जो है ना वो परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, इसलिए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है क्योंकि आईटी का दौर है ये। अब पुराना दौर तो है नहीं, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं आप। जी जनाब, मैं चाहूँगा अपना नाम बता दें व्यूअर्स को और कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दें। देखिए, मेरा नाम सैयद आज़ाद हसन जाफरी है। अल सैद कैटल फार्म में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। आपके तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मेरे जानवरों को जिन्होंने देखा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा बल्कि कहूँगा कि अगर मवेशी मंडी का रुख करें तो अल सैद कैटल फार्म में लाजमी आएँ। अल सैद कैटल फार्म का टेंट जो है VVIP ब्लॉक 3 प्लॉट नंबर 1234, ये प्लॉट नंबर है हमारा। और सबसे मेन अगर आदमी समझना चाहे तो मीडिया सेल के ऑफिस के जस्ट सामने बिल्कुल हम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर यहाँ आएंगे तो आपको वो जानवर मिलेगा जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। हम सेल नंबर, मेरा सेल नंबर भी नोट कर लीजिए, 03128652120। आई रिपीट, 03128652120। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। ये था हमारी टीम का लेटेस्ट विजिट। आज हम सुराबगढ़ मंडी में अल सैद कैटल फार्म में आए थे। यहाँ पे जो VIP स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर अल सैद कैटल फार्म में हमने नज़र डाली। हमने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखाया जाए, तो खासकर हमारी टीम यहाँ पर आई थी ताकि आप लोग को यहाँ से जो कैटल्स हैं उनकी प्राइस भी अपडेट कर दें, साथ साथ आप लोग को दिखाएं कि यहाँ पर अल सैद कैटल फार्म स्टॉल जो लगा हुआ है कैसा लगा हुआ है। तो आप लोग हमें फीडबैक में लाजमी बताइएगा और इंशाल्लाह फिर दोबारा हम लोग आएंगे, विजिट करेंगे सुराबगढ़ मंडी में, एक नई वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।